हेलो गाइस, माई सेल्फ श्रुति सिंह एंड आज से मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है द डिवाइन स्टडी। तो गाइस, इस चैनल के अंदर आपको, जैसे आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में है या किसी भी फील्ड में है, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा स्ट्रेस को ओवरकम करने में। स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गया, एग्ज़ाम फियर हो गया, प्रेशर हो गया, जो स्टूडेंट के अंदर जो प्रेशर होता है, कल एग्ज़ाम है तो आज प्रेशर होता है, टेंशन होता है, तो इन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करेंगे, इन चीज़ों को कैसे आप टॉलरेट करेंगे, इन चीज़ों को कैसे आप फेस करेंगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो आपको कहाँ से आएगी, वो आपके पास कहाँ से आएगी? वो आएगी आपको अपने मेडिटेशन से, वो आपको आएगी अपने सोल को चार्ज करने से, क्योंकि अगर सोल चार्ज है तो बॉडी चार्ज है, और बॉडी चार्ज है तो माइंड चार्ज है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेंगी। और गाइज, मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ अपना कि मैं इस सेंटर से एक्चुअली मैं कैसे कनेक्टेड हूँ, ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर से। तो गाइस, मैं आपको बताऊँ कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी और मैं नेशनल प्लेयर हूँ, हॉकी, नेशनल हॉकी प्लेयर, और मैंने स्कूल नेशनल्स खेले हैं, मैंने जोनल्स खेले हैं, मैंने स्कूल SGFI खेले हैं, पाँच मैंने नेशनल्स खेले हैं, 3 SGFI खेले हैं, जोनल्स खेले हैं, स्टेट खेला है, तो मैंने बहुत खेला है, बहुत अचीवमेंट्स, बहुत सारे मेडल्स, ये सारी चीज़ें होने थी, मतलब है मेरे पास, मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की है। ऐसे चलता रहा, फिर एक दिन मेरे फूड पाइप में खेलते खेलते कभी, मतलब मेरे फूड पाइप में प्रॉब्लम हो रही थी, फूड पाइप, जैसे मेरा इसोफेगस ना ब्लॉक हो गया था, इसोफेगस में पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है, वो इम्प्रॉपर हो गया था, और कहीं ना, और मेरी फूड पाइप की जो विद होती है ना, वो भी बिल्कुल कम हो गई थी, मतलब वी कैन से कि हाँ, फूड पाइप ब्लॉक हो गया था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया फैमिली ने, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पेरेंट्स ने, सब जगह दिखाया, इनको दिखाया, उनको दिखाया, तो कहीं से भी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। एक्चुअली कोई, सारे डॉक्टर्स ना वो किसी भी एक रिजल्ट पे नहीं आ रहे थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है। एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होने के बाद फिर पता चला, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं कोई भी वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था, तो मेडिसिन किस चीज़ की चलाए, तो बहुत सारे मेडिसिंस भी चली, बहुत सारी दवाइयाँ चलाई, किसी डॉक्टर ने बोला गले में फुंसी है तो उनकी दवाइयाँ चलाई, किसी डॉक्टर ने बोला नोज़ में प्रॉब्लम है तो उनकी दवाइयाँ चलाई, तो ये सारी दवाइयाँ खा के मुझे लगता है मेरा लीवर ख़राब हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत, मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत मेडिसिंस खाई मैंने, 4-5 साल आप लगा लो, पता नहीं था बीमारी का, फिर भी दवाइयाँ चलती रही, और हमें भी लगता था चाहे शायद इससे ठीक हो जाए, बट एक्चुअली मैं लास्ट में क्या हुआ कि कोई भी आउटपुट नहीं आया था, मुझे 1% भी आराम नहीं था कि मुझसे हाँ खाना नहीं खाया जाए, कि मुझसे खाना खाया जाए, आप मेरे, मतलब मुझसे लिक्विड भी नहीं लिया जाता था, मैं पानी भी पीती थी ना तो भी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब इसोफेगस हम कह सकते हैं कि ब्लॉक था पूरा, मुझसे नहीं खाया जाता था उस टाइम में, मुझे दलिया, खिचड़ी, ये सब मुझे डॉक्टर्स ने बोला था आप ये खाओ, शायद ये आप आराम, लेकिन पूरी लाइफ दलिया खिचड़ी पे तो नहीं काटा जा सकता, और मेरी एज ही कितनी थी उस टाइम, आई वॉज इन क्लास 7th, 8th, 9th, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे भी ये डिजीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, मेरा खाना पीना सब छूट रहा था, इवन मैं दलिया, हलवा, खिचड़ी यही खाती थी, दूध कुछ भी नहीं पिया जाता था मुझसे। एक बार डॉक्टर ने कहा, जब व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, डॉक्टर ने कहा कि आपको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, आप भाग नहीं पाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला, आपको स्पोर्ट्स थोड़ा डिस्टेंस दो, थोड़े दिन जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक स्पोर्ट्स को ब्रेक लगाओ। मैंने बोला अब पेरेंट्स को इतना ज़्यादा प्यार है, अब वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची, क्योंकि मेरा वेट बहुत तेज़ी से लूज़ हो रहा था, कुछ खा नहीं रहे हैं, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कोई डाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी छोड़ो थोड़े दिनों तक, जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो बस उसी टाइम मैंने स्पोर्ट्स को थोड़ा ड्रॉप दिया, मैंने सोचा यार चलो जब तक ठीक नहीं हो जाते उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ 4-5 साल, कुछ डॉक्टर्स बोलते थे ये नाटक कर रही है,
इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको राशि ग्रह व्रह है इसके ऊपर, इसको अंगूठियाँ पहनाओ, पता नहीं कौन कौन सा। अब आप सोचो जब मेडिकल साइंस ही ये सब चीज़ें ऐसे बोलने लगे, इसको अंगूठियाँ पहनाओ, अगर आप किसी डिजीज़ के रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाए तो कैसे डॉक्टर्स है, कैसे डॉक्टर्स है। मैंने सोचा, मैंने बोला पता नहीं कैसे डॉक्टर्स है कि कोई रिजल्ट खुद से नहीं आ रहा तो आप बोल दो कि ये नाटक कर रहा है पेशेंट, इट्स नॉट वेरी गुड। मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगा, मैंने बोला इस ये डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना इसके पास। देन उसके बाद वहाँ से एक डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप एम्स लेके जाओ दिल्ली, इसको अगर इसको कुछ आराम नहीं आ रहा है मेडिसिन वगैरह से, है ना, आराम तो तभी आएगा ना जब आप बीमारी पकड़ो, या वो बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे डॉक्टर्स। देन उसके बाद हम एम्स आए, फैमिली पूरी एम्स, हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए, है ना, तो पापा ने एम्स में दिखाया, तो एम्स ने मतलब एंडोस्कोपी वगैरह किए थे मेरे टेस्ट, तो वो भी टेस्ट मेरे ना नॉर्मल आ रहे थे, उन्होंने वो ये टेस्ट भी मेरे नॉर्मल आ रहे थे, तो उन्होंने बोला तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, एंड मुझे उन्होंने रेफ़र किया था जी बी पंत हॉस्पिटल में, गोविंद वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में। तो जब वहाँ मुझे रेफ़र किया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे दो टेस्ट किए वहाँ के डॉक्टर्स ने, एक एंडोस्कोपी तो किया ही था, तो एंडोस्कोपी से भी उन्हें पता नहीं चला कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है। फिर एक बेरियम स्वेलो टेस्ट होता है, तो बेरियम स्वेलो में क्या होता है कि वो पाइप लेंगे पतली सी, वो आपके नोज़ के थ्रू आपके ईसोफेगस में जाएगा, देन फिर स्टमक, एंड देन फिर ड्यूडेनम जोजनम में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह उन्होंने पूरा चेक किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो ब्लॉकिंग थी ना, तीन चार ब्लॉकिंग थी मेरी फूड पाइप में, तीन चार ब्लॉकिंग थी मेरी ईसोफेगस में, एक मतलब एक दो ऐसे करके चार जगह ब्लॉकिंग थी मेरी फूड पाइप में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब ब्लॉकिंग है फूड पाइप में, वो एंडोस्कोपी में आ नहीं रहा था, क्योंकि ये बेरियम स्वेलो टेस्ट होता है, ये बिल्कुल मतलब बहुत ही अलग टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे, विथ डिक्रीज हो रखी है। देन उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि इस कि एक डायलेशन करना होगा, ठीक है, डायलेशन करना होगा, और ये जो डिजीज़ है इसका नाम है एस्केरेशिया। क्या नाम है? एस्केरेशिया, ठीक है। उसके बाद ये जो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि एक डायलेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर 3 से 4 बार ईसोफेगस को खोला जाएगा जहाँ जहाँ ब्लॉकिंग है, और जब वो ईसोफेगस ओपन होगा तो ये 15 to 20 minutes का प्रोसेस होता है, इसमें आपको कहीं भी मतलब बेहोश नहीं किया जाएगा, एनेस्थीसिया वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। सो माय फैमिली वाज लाइक ओ पेनफुल, आप सोच सकते हैं, मैं पूरे 8 साल 9 साल से मैं इस प्रॉब्लम को झेल रही थी, 8 साल 7 साल कम नहीं होते हैं, 8 साल 7 साल से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, मैं दूर से बस खाने को देखती थी, एंड आई वॉज लाइक यार मैं नहीं खा सकती, मुझे डर लगने लगा था खाना देखते ही, मुझे डर लगने लगा था बाहर जाते ही, मुझे डर लगने लगा था कि मैं ये खा पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा एक बोलते ना अंदर से टूट चुके थे, फैमिली मेम्बर्स अलग और मेरा खुद का, मतलब मेरी पढ़ाई कहाँ जा रही है, मेरा खाना नहीं हो पा रहा, जब आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप स्टडी कर सकते हो, कैसे आप कोई चीज़ याद कर सकते हो, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, उस टाइम भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, हॉस्पिटल जाती थी शाम को आके सारी चीज़ें पढ़ना, मैथ्स करना, साइंस पढ़ना, टेस्ट की तैयारी करना, हाफ ईयरली सब कुछ पढ़ाई की मैंने, टीचर से सुनने को मिलता था इतनी छुट्टियाँ, और जब मैंने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो ही वॉज लाइक ओ, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, नहीं बेटा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इन चीज़ों में सपोर्ट करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा फेस करते करते उब जाता है, 7 साल 5 साल में मेरे साथ यही हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब ऐसा लगता था कि बस ये लाइफ ना हो ना तो ही ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मेरा उन्होंने बोला डायलेशन होगा, उसमें क्या होता है कि बाहर से आपको वायर्स वगैरह डालेंगे और उस वायर में बलून लगा होता है, ठीक है, बलून लगा होता है, वो आपके फूड पाइप में जाके बाहर से उसको प्रेशराइज किया जाता है जिससे आपकी जो ईसोफेगस जहाँ ब्लॉकिंग है ना उस जगह को ओपन किया जा सके, और ये जो प्रोसेस होता है बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेरा हो रहा था और मतलब
बहुत पेन होता था। शायद मैं आपको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ कि मुझे इतना पेन होता था। मेरे मम्मी पापा बाहर बैठ के इतने टेंस्ड होते थे ऑपरेशन थिएटर के कि अंदर क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे के साथ। वो इतना ज़्यादा परेशान थे, सिर्फ भगवान भगवान भगवान। और जब बाहर आती थी तो 2-3 घंटे तक बेहोश, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक आंटी आई एंड शी टोल्ड माई मॉम कि आपको ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर एक बार जाना चाहिए। मम्मी ने बोला क्या पता आपकी चीज़ें ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, जो लंबा टाइम लगने वाला है वो शॉर्ट हो जाए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, क्योंकि हम तो बहुत सारे मंदिरों मस्जिद सब जगह घूम चुके हैं, है ना, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है ना, तो ट्राई सब कर रखा, तो इसे भी ट्राई करने में कुछ एनर्जी तो जा नहीं रही थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है जाना चाहिए। मम्मी गई, मम्मी ने 1-2 दिन क्लासेस लेके एंड मम्मी कम्स एंड टोल्ड मी कि तुम्हें भी चलना चाहिए। मम्मी ने बोला तुम्हें भी जाना चाहिए। मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं जाना। मैंने डायरेक्टली कह दिया नो, आई डोंट वॉन्ट टू गो। मैंने ऐसा बोल दिया मुझे नहीं जाना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें चलना पड़ेगा, एक बार चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है बट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैं मेडिटेशन सेंटर पे गई तो गाइस लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, जो चीज़ मैंने वहाँ फील की ना, जो वाइब्रेशंस, जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट था ना, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मैं इतना ज़्यादा फुलफिल हो रही थी, मैं इतना ज़्यादा चार्ज हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स सारी ख़त्म हो गई, मेरी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई यहाँ आने से, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड जब मैं मेडिटेशन रूम में 2 मिनट साइलेंस में बैठी, मुझे पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता कैसे मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे बैठने से ही मुझे लग रहा था यार मैं बस ऐसे ही बैठे रहूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। एंड मैंने मम्मी को बोला थैंक यू मम्मी मुझे यहाँ लाने के लिए, थैंक यू सो मच मम्मी मुझे यहाँ लाने के लिए। एंड मम्मी बोलती है नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि कल से मुझे आना है, और कल से मैंने आना शुरू किया। तो जब भी आप मेडिटेशन सेंटर पे आते हैं तो आपको 7 डेज़ का कोर्स कराया जाता है, तो वो मैंने 7 डेज़ का कोर्स करा। उस 7 डेज़ के कोर्स के अंदर आप कौन हैं, हु एम आई, आई एम द सोल, आई एम द बीइंग, ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, आपके कर्मास, ठीक है, कैसे आप बर्थ लेते हो एज अ ह्यूमन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है 7 डेज़ के। तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है, कब से हो रही है, कैसे हो रही है, हम क्या थे, क्या बन गए, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो मुझे 7 डेज़ का कोर्स बहुत अच्छा लगा, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, उनके साथ क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैंने सोच लिया था, मेरी उस टाइम 10th क्लास की 3 महीने की छुट्टियाँ पड़ी थी, एग्ज़ाम के बाद होता है ना 3 महीने की छुट्टियाँ, उन 3 महीने मैंने फुल स्टडी की, एक्चुअली क्या है कैसे सब कुछ स्टडी किया, खूब मैंने मतलब अपने कर्मास, अपने बिहेवियर, थाट्स, सब कुछ जाना, क्योंकि ये मेडिटेशन आपको यही सारी चीज़ें सिखाता है। तो उसके बाद मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक हुआ, मेरी हेल्थ ठीक हुई, मेरी वेल्थ ठीक हुई, मेरी स्टडी में प्रोग्रेस हुआ, ये सारी चीज़ें एज अ मिरेकल होते रही मेरी लाइफ में स्टेप बाई स्टेप। तो उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद मेरी फैमिली ने बोला कि मतलब मेरा जब लास्ट ऑपरेशन होना था, लास्ट थेरेपी होनी थी, तो मम्मी ने बोला कि जाओ एक बार सेंटर से आओ फिर चलते हैं। तो जब मैं एक बार जब मेरा होना था, जैसे आज होना है थेरेपी मेरी, तो मैं मतलब सेंटर जाके मैंने हमारी जो दीदी है उनसे मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बोला तुम ये सोचना जब भी तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, तुम ये सोचना कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, वो एनर्जी तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि लास्ट थेरेपी थी और बहुत तगड़ी होने वाली थी। मैंने ये बोला एंड वो जो एक होता है ना ब्लेसिंग्स, उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी मुझे कि हाँ परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बीमारी क्या चीज़ है तुम्हारे सामने, ये बीमारी क्या चीज़ है तुम्हारे सामने, ये आराम से ठीक हो जाएगी। एंड देन जब मैं गई हॉस्पिटल, मुझे लेके जा रहे थे, लेके गए जब,
एंड सबको देखते ही फिर सारी वही चीज़ें, पेन होगा सब कुछ, दो लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे, दो लोग मेरा पैर पकड़ेंगे, और फिर एंड ऑल वायर्स वगैरह जाएगा, सब कुछ होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस यही सोच रही थी कि जो डॉक्टर है ना, ये परमात्मा है, इस डॉक्टर के अंदर ना परमात्मा प्रवेश है, और ये डॉक्टर कोई और नहीं, ये परमात्मा है, हम आत्माओं के पिता परमात्मा मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कितने प्यार से करेंगे। ये थॉट मैं क्रिएट करती गई जब तक मेरा प्रोसीजर शुरू होने वाला था, एंड मैंने बोला कि परमात्मा आप मेरे साथ है, सुप्रीम सोल आप मेरे साथ है, तो मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ पेन नहीं होगा, बस आप मेरे ऐसे साथ रहो। और मुझे फील हो रहा था वो एनर्जी मेरे आसपास है। एंड गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये प्रोसीजर हो रहा था 15 to 20 minutes, मुझे इतना पेन नहीं हुआ जो शायद मैं ऐसे नॉर्मल करती थी, मुझे इतना पेन, क्योंकि मुझे 2 महीने ही हुए थे मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किए, वो 2 महीने में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी थी, मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया उस जगह पे ऑपरेशन थिएटर में, और उन चीज़ों ने मुझे इतनी हेल्प की ना, मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मुझे अंदर शक्ति आ रही है, मैं शायद उस पेन को इतना फील नहीं कर पा रही हूँ, उस चीज़ों ने मुझे इतनी मदद की कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। एंड डॉक्टर से, तुम बहुत बहादुर हो डॉक्टर, एवरी डॉक्टर टोल्ड मी आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो, बहुत ज़्यादा बहादुर हो, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि अगर पेशेंट बहादुर होता है तो डॉक्टर्स का काम ईजी हो जाता है, तो डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था मुझे। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुझे थोड़ा सा वीकनेस हो गया, और उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो रही थी ब्लड की इतनी ज़्यादा कि मैं बेहोश हो गई। देन बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया, डॉक्टर ने एडमिट किया और उन्होंने बोला कि अभी कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे बोला, नेक्स्ट मॉर्निंग जब मतलब मेरे पापा CRPF में है, तो जब वो ड्यूटी से ऑफ होकर जब हॉस्पिटल आए, उन्होंने मुझे जूस दिया, एंड जूस देने के बाद मतलब वो जूस टोटली आराम से, मतलब मैंने क्लियर आराम से अच्छे तरीके से पी लिया था, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे एकदम, जैसे होता है ना, आंखों में आंसू आ गए थे, और फैमिली के भी और मुझे भी आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब कि इतने सालों से, 7-8 सालों से हम उस चीज़ को खाने पीने के लिए तरस रहे थे, हमारी बच्ची इतना ज़्यादा परेशान थी, नहीं खा पाती थी, नहीं पी पाती थी, तो उन चीज़ों ने मुझे, मैंने ठीक से वो जूस पी लिया, मैंने पूरा एक बोतल पी लिया। पापा सेज ओ वेरी गुड वेरी गुड, सारी चीज़ें ठीक हो गई, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हूँ अब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उसके बाद मैं फाइनली मैं घर गई, मैं खुश हुई, मैंने अपनी सेंटर की मेडिटेशन सेंटर वाली दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला दीदी बोल रहे मैं आती हूँ तुमसे मिलने, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तब से मैंने सोच लिया कि यार कुछ मिरेकल्स तो हैं, कुछ मिरेकल्स हैं, क्योंकि हमें मेडिटेशन बहुत कुछ सिखाती है, ये सिर्फ हमारी हमारी चीज़ों को, हमारी डिजीजेस को ठीक करती है, उससे लड़ने की शक्ति बढ़ाती है, और परमात्मा आपके साथ है तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, परमात्मा आपको उन सब चीज़ों को फेस करने की एनर्जी देता है, और वो एनर्जी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से होगा, तो परमात्मा के साथ सोल का कनेक्शन ही मेडिटेशन कहलाता है, और ये चीज़ें मुझे बहुत मदद करती है। और आज भी मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया 13th of September को, तो ये चीज़ें मुझे बहुत मदद करती है। मेरी पूरी फैमिली मेडिटेशन सेंटर जाती है, मेरी पूरी फैमिली मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है डेली, और मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया है, मैंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, मुझे 6 साल हो गए इस ज्ञान में चलते हुए, इन 6 सालों में मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हैं, शायद अगर मैं सुनाने बैठूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, पर मैं वो सुना नहीं पाऊंगी आपको। तो ये एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे इस चीज़ से जोड़ा, और अच्छी चीज़ों से जुड़ने के लिए कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगता है कि, और मैं इस चीज़ को अभी भी अप्लाई करती हूँ अपने डेली रूटीन में, स्टडीज़ में, है ना, बहुत हेल्प करता है, बहुत फोकस, थॉट्स को चेंज करना, सब कुछ बहुत मदद करता है। एंड मुझे पता है आप लोग इसको इन्जॉय करेंगे, और ज़रूर आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे पता है, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ आपकी जल्दी ठीक होगी, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो मेरी डेली वाइज वीडियोज़ आएंगे, आप उन्हें ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।